Good morning dear students, welcome back to the class. What we have studied in the previous lectures, we have studied about the playing with numbers. What is the meaning of playing with numbers? Play means क्या होता है? Play means होता है खेलना, and numbers means जो हमारे digits होते हैं, तो उसके साथ play करना. But numbers के साथ play करना means क्या होता है कि हम उसके साथ कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके की चीजें करते हैं. दैट इज द प्ले विद नंबर्स. ठीक है, हमने इसमें क्या देखा था? हमने इसमें देखा था कि हमने एक क्वेश्चन लिए थे एंड वी फाइंड आउट द टू आंसर्स फॉर दैट क्वेश्चन. हमने उसके लिए दो आंसर्स निकाले, दैट इज केस नंबर वन एंड केस नंबर टू. बट दे बोथ आर डिफरेंट. दोनों ही केसेस में आपके जो आंसर्स आए थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे. दैट मीन्स कि आपका जो मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन गिवन होता है, द मैथमेटिक्स क्वेश्चन हैज ओनली एंड ओनली वन आंसर. जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है उसका एक ही आंसर होता है. बट इन दिस केस जब हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमारे दो आंसर्स आए थे, दैट इज रॉन्ग. सो वी लर्न अबाउट द बॉडमास रूल. तो हमने क्या पढ़े थे उसके बारे में बाद में? बॉडमास रूल. वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ बी? बी इज अ ब्रैकेट, O is of, D means divide, M means multiply, A means addition, and S means, what is the meaning of S? S means subtraction. Kar, you have to understand properly and learn properly what is the full form of BODMAS so that you can solve your simplification questions. Okay, now after that we have learnt about the types of brackets. Humne types of brackets bhi padhe the aur us pe based kuch एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे. ठीक है, तो हम अभी उसके आगे के कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे. ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल दैट इज फर्दर ऑफ दैट. ओके, नाउ आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सिंपली. ओके, नाउ वी आर टेकिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज सिंपली. नाउ योर क्वेश्चन इज, आपका क्वेश्चन ये है कि 66 प्लस Curly bracket 10 plus 15 of 3, 10 plus 15 of 3, 10 plus 15 of 3 minus 20 plus 30 minus 20 plus 30 minus 45 divided by 5, minus 45 divided by 5. Okay, now your round bracket close and then your curly bracket close. Okay, this is your question. Okay, you have to perform this question according to the BODMAS and the types of brackets. उसको consideration में रख के आप अब हम इस question को solve करेंगे. ठीक है, now first what we have to solve, सबसे पहले हम क्या solve करते हैं? Bracket. बस bracket में भी सबसे पहले कौन सा bracket solve होता है? Bracket में भी सबसे पहले round bracket. ठीक है, राउंड ब्रैकेट के सबसे पहले में वर्निकुलम सॉल्व होता है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है. तो हम सबसे पहले इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? एज इट इज रिमेनिंग क्वेश्चन एज इट इज लिख दो. 66 प्लस कर्ली ब्रेस 10 प्लस 15 ऑफ 3. ठीक है, माइनस. अब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, बट इस ब्रैकेट में भी अगेन 1, 2, 3 सिंबल्स है. अगेन इस ब्रैकेट में भी 3 सिंबल्स है. तो आप ब्रैकेट के अंदर भी अगेन एक बॉडमास रूल लगाओगे. आपने जब पहले पूरे क्वेश्चन में बॉडमास रूल लगाया, उसके बाद अभी आप क्या करोगे? इस ब्रैकेट में बॉडमास रूल लगाओगे. तो इस ब्रैकेट में जब बॉडमास रूल लगाओगे तो फर्स्ट क्या आएगा? डिवाइड. सबसे पहले क्या आएगा? डिवाइड. दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड द फर्स्ट. दैट इज 20 प्लस 30 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 9. What is 45 divided by 5? What is 45 divided by 5? 45 divided by 5 is equals to 9. That means you write here as 9 and you close your bracket. Now, in the next step, we again solve. जब तक ये bracket का पूरा answer नहीं आता, तो bracket को ही पहले solve करोगे. ठीक है? Then 66 plus remaining question as it is. आप पूरा question as it is लिखोगे. Okay? माइनस. अब एडिशन होगा फिर सब्सट्रैक्शन होगा. ठीक है, तो एडिशन 20 प्लस 30 दैट इज 50 माइनस 9 एंड यू क्लोज योर ब्रैकेट. अगेन
50 माइनस 9 को पहले सॉल्व करेंगे, 50 माइनस 9 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, 10 प्लस 15 ऑफ 3 माइनस 41। ओके, नाउ अब इस ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचा था, 41 ही हमारा आंसर आने वाला था, इसलिए हमें इसे ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। नाउ अब फिर से हमें ये कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ वी सॉल्व दिस कर्ली ब्रैकेट। ओके, हाउ वी सॉल्व दिस कर्ली ब्रैकेट, दैट इज 66 प्लस 10। देखो इसमें आप क्या करोगे, प्लस है, ऑफ है, माइनस है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ऑफ, दैट मींस 10 प्लस 50 ऑफ 3 मींस 50 ऑफ 3 मींस 50 मल्टीप्लाई बाय 3, 50 ऑफ 3 मींस 50 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 15, 3 इज 45। ओके, एंड देन माइनस 41। ओके, देन माइनस 41। ओके, नाउ अगेन परफॉर्म द ब्रैकेट, ब्रैकेट को फिर से सॉल्व करो, तो अब क्या करोगे, पहले एडिशन, दैट इज 10 प्लस 45, दैट इज 55 माइनस 41। ओके, 55 माइनस 41, व्हाट इज 55 माइनस 41, 55 minus 41 is 14, that is 14, then 66 plus 14 is 66 plus 14, 66 plus 14, what is 66 plus 14, 66 plus 14 is your answer is 80, your answer is 80, आपका answer क्या आ गया है, 80, आपका answer है 80। ओके, कैसे सॉल्व किए हमने इसे, सबसे पहले हमने ये देखे कि क्वेश्चन में ब्रैकेट्स हैं क्या, ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो टाइप्स के ब्रैकेट थे, एक कर्ली ब्रैकेट और एक राउंड ब्रैकेट, वी सी दी अदर टू टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, दैट इज कर्ली ब्रैकेट एंड अ राउंड ब्रैकेट, देन वी सॉल्व द राउंड ब्रैकेट फर्स्ट, ठीक है, हमने इसे राउंड ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है, तो हम इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें भी अगेन प्लस भी है माइनस भी, डिवाइड भी, सो वी परफॉर्म द डिवाइड फर्स्ट, सो वी परफॉर्म द डिवाइड फर्स्ट, तो हम सबसे पहले डिवाइड परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो 45 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट इज 45 डिवाइडेड बाय 5, 45 डिवाइडेड बाय 5 इज 9, सो वी राइट द रिमेनिंग पोर्शन एज इट इज एंड ओनली राइट 9 इंस्टेड ऑफ 45 डिवाइडेड बाय 5, ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिखा है, सिर्फ जहां 45 डिवाइडेड बाय 5 लिखा था वहां हमने 9 लिखा है, ठीक है। Now, after that, what we do? For addition. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? Addition को form करते हैं. तो 20 plus 30. In this case, all the remaining question remain as it is. And we write only 23 plus 30 की जगह क्या लिखा है? 15. बाकी पूरी का पूरा question हमने as it is रखा है. ठीक है? उसके बाद वाली स्टेप में आपके पास अगेन एक राउंड ब्रैकेट है. तो आप सबसे पहले उस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, दैट इज 50 माइनस 9, 50 माइनस 9 इज 41। ओके, नाउ क्योंकि इस ब्रैकेट में सिर्फ 41 आने वाला था ब्रैकेट के अंदर, तो इसलिए हमने एक सिंगल डिजिट जब ब्रैकेट के अंदर आता है तो हम उस ब्रैकेट को हटा देते हैं, इसलिए हमने उस राउंड ब्रैकेट को हटा दिए। जब अब हमने ये क्वेश्चन देखे तो हमें इस क्वेश्चन में अगेन एक ब्रैकेट दिखा है जो कि है कर्ली ब्रैकेट, जो कि है एक कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, आपको अब हमें वहाँ क्या दिख रहा है, एक कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल, अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, ऑफ, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, ऑफ, वी हैव टू सॉल्व द ऑफ। ओके, तो ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ऑफ का मीनिंग क्या बताई थी मैंने, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 15 एंड 3, आपको 15 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ठीक है, जब आप 15 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे योर आंसर इज 45, योर आंसर इज 45, अगेन आपका आंसर क्या होगा 45। ओके, नाउ आफ्टर दैट इन दिस ब्रैकेट यू सी द एडिशन एंड द सब्सट्रैक्शन, उसके बाद आपको ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सो यू परफॉर्म द एडिशन फर्स्ट, तो आप क्या करोगे, एडिशन करोगे, तो आप जब एडिशन करोगे तो 10 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 55, 10 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 55। ओके, नाउ 55 माइनस 41, 55 माइनस 41 इज, क्योंकि अब ब्रैकेट में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ आपका माइनस बचा है, तो आप ये माइनस परफॉर्म करोगे, दैट इज 55 माइनस 41, दैट इज 14, क्योंकि अब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 14 आने वाला था, इसलिए हमने उस ब्रैकेट को
को रिमूव कर दिए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 66 प्लस 14, दैट मीन्स योर आंसर इज 80, दैट मीन्स योर आंसर इज 80। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल नंबर 5 में, आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 में गिवन है जो आपको खुद सॉल्व करने। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में देयर आर टू एग्जाम्पल नंबर 5 में दो सब क्वेश्चन और है जो इसी तरीके से सेम तरीके से सॉल्व होंगे, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस विदाउट लुकिंग एट योर बुक। आपको बुक नहीं देखना है, ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन राइट डाउन करना है, पूरा सॉल्व करना है एंड देन चेक योर आंसर विद बुक, अपना आंसर जो है वो बुक के साथ चेक करना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है यू कैन आस्क मी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 आपको बताया जाएगा क्योंकि उसमें एक वर्निकुलम ब्रैकेट है जिसका आपको मिली नहीं पता है, वर्निकुलम ब्रैकेट मैंने आपको नहीं बताया है तो आपको एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको चाहो तो एक्सरसाइज 3A में के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो जो इस पे बेस्ड, ठीक है, इस पे बेस्ड अगर आपको कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज में के तो इट विल बी अप्रिशिएटेड, अगर आप अपने इससे कर लेते हो तो अप्रिशिएटेड है वो, अदरवाइज एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवाने वाली हूँ और रिमेनिंग क्वेश्चन वैसे भी आप ही को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने ये देखे कि एक क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया जिसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स है ऑफ है तो उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो समझ में आया, पहले राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट जो कि यहाँ पे नहीं था, एंड बॉडवास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट, आफ्टर दैट ऑफ, आफ्टर दैट डिवीजन, आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन एंड दैट आफ्टर दैट एडिशन एंड इन द लास्ट वी हैव टू परफॉर्म द सब्सट्रैक्शन। ओके, विद दिस वी विल एंड अवर लेक्चर फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।